बात कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी जायज बात आप सब लोगों ने कही। जो गुस्सा आक्रोश भी है वो भी जायज। अगर कहीं पे मैं आपकी जगह पे रहूं और कहीं पे मेरे को आपके जैसा ऐसा हो कि काम नहीं हो रहा है, तो जो एक मौका मिलता है उसमें आक्रोश से ही बात रखनी चाहिए, उसमें कोई कोई दो राय नहीं। बात पादा साहब ने भी बोला कि बहुत सालों से वही बात रखी जाती है, और अगली बार जब कोई ब्लॉगर्स होता है सेम वही चीजें सामने भी आती हैं, तो मुझे लगता है इसको बदलने का टाइम अब आ गया। मैं कामों में, चाहे अशोक जी ने बोला, चाहे सुरेश जी ने बोला, जिस भी लोगों ने जो बातें करी हैं वो सारी बातें मैंने भी नोट करी हैं, और मेरी जो टीम बैठी है यहाँ पे एक एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे नोट करा है। कर्नल साहब बोल रहे थे कि इनका एक नोट निकलना चाहिए, नोट 2 दिन में ही हम इसका निकालेंगे कि क्या बात हुई और क्या सोल्यूशन इसका करना है। कोशिश सारे डिपार्टमेंट हेड्स की यही है कि ये बातें दोबारा रिपीट ना की जाए। मैं कुछ मेन बातों पे ही फोकस करूंगा, 2 मिनट ही मैं आज यहाँ पे लूंगा क्योंकि यहाँ पे जेएनबी में मीटिंग है। मेन बातें ये है कि क्या चीजें हम आज यहाँ पे खत्म करके जा सकते हैं। एक एम्बुलेंस बनी को और एक एम्बुलेंस हीरानगर को पिछले हफ्ते हमने सीएसआर में दिया, आपने शायद देखा हो। एक एम्बुलेंस बसोली को अगले 10 दिन में दें, वो वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस नहीं होगी, बट एक अच्छी एम्बुलेंस, नई एम्बुलेंस बसोली में अगले 10 दिन में वो आ जाए। कर्नल साहब बोल रहे थे कि मेरे हिसाब से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि कहीं पे किसी की डेथ हो जाए तो वही डेड बॉडी के लिए वही एम्बुलेंस यूज होती है। तो दूसरा वादा आपको ये रहा कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर एक हर्ष वैन जो डेड बॉडी ट्रांसफर करने के लिए होती है शमशानघाट, वो बसोली में आ जाए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आज यहाँ से अनाउंस करके ही जा रहे हैं कि अगले 10 दिन में एक एम्बुलेंस और 1 महीने के अंदर अंदर एम्बुलेंस का उद्घाटन करेंगे कर्नल साहब साथ में, एक हर्ष वैन यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। इसके बाद जे जे एम की स्कीम्स का 2 चीजों पे आपने फोकस किया, जो बिल्कुल ठीक है कि हेल्थ और एजुकेशन पे ही बात करी, और तीसरी बात जे जे एम के बारे में। जो 35 स्कीमें हैं जे जे एम की यहाँ पे, उनमें से एक भी स्कीम शुरू नहीं हुई, जो कि बात ठीक नहीं है, बात जस्ती भी नहीं है। एजेंट साहब, कितनी स्कीमें हम लोग दिसंबर एंड तक 35 में से हैंड ओवर करें, सात स्कीमें वन बाय वन करें? सात स्कीमें इनको हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कितनी करनी, सात स्कीमें इनको हैंड ओवर कर दिसंबर तक, उसके बाद में बाकी, उसके बाद इनको हम जनवरी में सात स्कीमें फुली फंक्शनल, फुली फंक्शनल ठीक है। उसके बाद इसमें सर सुरेंद्र जी का भी थोड़ा बहुत चाहिए कि ये बिजली लग जाए। हाँ वो ठीक है, वो एक ही बात है, दोनों डिपार्टमेंट की बात कर ठीक है। तो इसके बाद 10 स्कीम में हम इनको जनवरी में दे देंगे, 7 प्लस 10 जनवरी में देगा। तो हम ये बात आप सब लोग नोट करो ताकि अगली बार मिले तो गुस्सा अगली बार के रखेंगे, अगर नहीं होता है तो, कि 7 स्कीमें दिसंबर एंड तक और टोटल 17 स्कीमें, मतलब 7 प्लस 10 जनवरी एंड तक। तो अगर ये नहीं पूरा होता है तो बसोली की 35 में से ठीक है, बसोली की 35 स्कीमें बेचो, 7 स्कीमें दिसंबर एंड, 17 स्कीमें जनवरी एंड। जे वो नहीं होता तो देन वी विल सी की करना, ऑडिट कराना है, की करना है, क्यों नहीं हुआ, किससे एक्शन लेना है, पैसा कितने गया, देन वी विल सी राइट। तो आप सुरेश जी आप यही बोल रहे थे कि अगर जरूरत पड़े तो आपको कठुआ भी आप आने के लिए तैयार है, कठुआ आने की जरूरत नहीं है, हम लोग बात करेंगे, बट ये टारगेट आप आज मान के चलो कि इसको हमने खत्म कर। हाँ ये बात एजेंसी साहब ने बोली है कि स्कीम शुरू करना, ऐसा नहीं है कि स्कीम हमने आज शुरू करी तो हर घर में पानी, कोशिश यही रहती है, बट ये है कि स्कीम शुरू करने में 7-10 दिन लग जाते हैं, पर ये है कि पानी आना शुरू हो जाए, पाइप खत्म हो जाए, कॉन्ट्रैक्टर से हैंड ओवर हो जाए, तो ये टारगेट हम लोग मन में अपना लेके चलेंगे। बेटर कर सुलभ का बस स्टैंड में जो टॉयलेट है उसका एडीसी साहब से ऑलरेडी बात हुई है, उसको हम लोगों को इमीडिएटली उस काम को भी शुरू कराया जाएगा। पीएचसी सनम घाट का मैंने नोट कर लिया, मैं आपका उसमें काम। हाँ टॉयलेट में एडीसी साहब आपने इस पे जो है ना अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्शन, आप इसमें इसको शुरू करो। एडीसी साहब फिल्टर प्लांट आपने शुरू करा दिया, जो बात दैट इज द प्रायोरिटी ठीक है ना, स्कीम टाउन वाला फिल्टर प्लांट इस हैज टू बी द प्रायोरिटी, जो आपने इसको शुरू कराना है उसमें हमें कुछ भी करना पड़े, आप ऐप को उसको देख के जाओ, जो भी उसमें करना है उसको करके हम लोग शुरू कराएं। डीजी साहब एक जो बोरवेल की यहाँ बात हुई थी कि वो बना है खेत में, उसने बंद कर रखा है,
कंपनसेशन देने के लिए भी डिपार्टमेंट तैयार है तो चालू होना बिल्कुल सर वो मानता नहीं है। अगर जो इन लोगों की हेल्प चाहिए वो मान जाता है तो हम कहाँ पे कहाँ करें लोकल बसोली का सब अल्ट्रासाउंड मशीन का इशू हैज टू बी रिजॉल्व। कैसे करना है आप मेरे से एक बार डिस्कस करो, पर अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पे चल रही थी। आपने सुरेश जी ने शायद बात रखी थी कि तहसील ऑफिस में बैठने की बेंच नहीं है। मैंने एडीसी साहब को ऑलरेडी बोला है कि जो उस पर खर्चा होता है करके बेंच इमीडिएटली लगवा दें, ऑर्डर प्लेस करके वो खर्चा वहाँ से मैं रिलीज कर, चाहे जिस भी फंड में उसको करना पड़े। एडीसी साहब आप अपने जितने बेंच में बैठने वाले तहसील में एक अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट आप वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके अगले हफ्ता 10 दिन में उसको अरेंजमेंट कराओ। सुरेश आपके देखने वाला ये ट्रक वाली कि भरा हुआ ट्रक कहाँ से आता है कहाँ जाता है वो मैं मेरी नॉलेज मेरे को बेसिकली क्या है कि वहाँ पे पोस्ट नहीं है, जैसे लखनपुर पे पोस्ट है ना तो वहाँ से चेक चुक होके सारा सामान जाता है, एक्साइज वाला है, सेल्स वाला है, हर कोई। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम, इसलिए यहाँ से अलाउ नहीं करते हैं, मतलब पहले से चलता आ रहा है। ये मेरे को जो आपकी बात से समझ आया था आराम से 2 मिनट में खत्म कर कि आपका ये कहना था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है कि किसी को अलाउ करते हैं किसी को नहीं करते, बात यही फिर किसी को भी अलाउ नहीं करते हम सर, किसी को भी अलाउ नहीं करते। एक बार कोई लोकल था यहाँ का रेजिडेंट, उसने आना था तो उसको बीमार था तो उस वजह से लोग आज का फैसला हम लोग ये कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन एटलीस्ट नहीं हो, जब तक पोस्ट नहीं है तब तक हम किसी को अलाउ नहीं करते। खाली कोई गाड़ी आती है तो बात, तो वो पुलिस की समझदारी है। आपने भी बोला है कि होनहार ऑफिसर है तो उन पे यकीन करके रखो, भरी हुई गाड़ी किसी की अलाउड नहीं करेंगे और खाली गाड़ियां अलाउ करेंगे। ये आज से आप लोग जो पहले हुआ उसको बोल जाओ नई चीज ये शुरू, ठीक है? तो इसमें तो सबको संतुष्टि है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है? तो सुरेश इसको आप फिर जो है इम्प्लीमेंट करो, ठीक है ना? प्रॉपर लास्ट बात यह है कि स्ट्रीट लाइट लगवानी है, स्ट्रीट लाइट लगवानी है, हाई मास्क लाइट ठीक करानी है, और ये काम आपका मैं एडीसी साहब को दोबारा बोल के जा रहा हूँ, ये काम आपको होता हुआ दिख जाएगा। रूरल में खैर 2-2 स्ट्रीट लाइट को आई थी, वो कम है मुझे पता है सोलर लाइट, बट आज जो यहाँ पे जो प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि जो स्ट्रीट लाइट हमने आपने प्लान करी अटल सेतु से लेके पुरथू तक जो लगानी है वो स्ट्रीट लाइट और अच्छी फैंसी स्ट्रीट लाइट वो आपकी लग जाए और वो आपको काम होता हुआ दिखती जाए। बाकी सारे आपके जितने पॉइंट है मेन पॉइंट, ये मैंने सिर्फ वही पॉइंट उठाए हैं जो मैं यहाँ पे आज बोलना चाहता था। एक एक पॉइंट पे क्या एक्शन करना है वो 2 दिन में आपसे मिनट सर्कुलेट कर लेंगे, और ये मैं आपको मेरे को पूरा विश्वास खुद पे है और अब मेरी टीम पे भी है और सब पे है कि अगली बार जब हम यहाँ पे बैठते हैं तो आज हमने यहाँ पे बातें करी हैं वी विल नॉट बी रिपीटिंग। थैंक यू सो मच।